सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या हम डेली बेसिस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यहाँ चार्ट एनालिसिस होता है, मंथली एनालिसिस होता है और वीकली एनालिसिस होता है, और यहाँ पे सीधा हम पोस्ट करते हैं चार्ट्स को। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। सो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो है कुछ टॉप फाइव ऐसे मीम्स कॉइन। बेसिकली मीम्स कॉइन तो मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में बताए थे, तो इस वीडियो में मैं आपको NFT कॉइन्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक अच्छा खासा 50 to 100x तक का आपको प्रॉफिट बना के दे सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। तो मैक्सिमम आपको 50x to 100x तक ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं, अगर आप थोड़ा लेवरेज लेके ट्रेड करोगे तो इसमें, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म कॉइन्स होने वाले हैं हमारे, और जितने भी मैंने आपको कॉइन्स बताए ये सारे जेन्युइन है और बहुत ज़्यादा डीप के अंदर मिल रहे हैं आपको। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला जो कॉइन है उसका नाम है एक्सी इन्फिनिटी। सो गाइस, सबसे पहले हम कॉइन्स का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देन उसका टेक्निकल एनालिसिस भी बताएंगे आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अभी से बता रहा हूँ, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देन अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैक्सिमम यार इस वीडियो पे अराउंड 20 से 25 लाइक्स आ जानी चाहिए। ओके, तो हम वीकेंड वीडियोज़ और भी बनाएंगे अच्छे खासे कॉइन्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जो फर्स्ट कॉइन है हमारा टॉप फाइव की लिस्ट में NFT कॉइन्स में। तो सबसे पहले जो आता है दोस्तों हमारा एक्सी इन्फिनिटी आता है। सो गाइज, आप जानते हो एक्सी इन्फिनिटी ने 2021 में कितना अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई थी हमें। ओके, आप इसका CMC पे अगर ग्राफ देखोगे तो इतना अच्छा खासा आपको दिखेगा यार, इतनी अच्छी खासी ग्रोथ इसने दिखाई है। ओके, अराउंड 500 to 400% तक का ग्रोथ हमें एक्सी इन्फिनिटी ने दिखाया है। ओके, तो इसका थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं इन डेप्थ। तो फंडामेंटल हम इसे देखें तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा लो चल रहा है। ओके, ये 100 से 200 तक का कॉइन था, $100 से $150 तक का ये कॉइन था, जो आज सिर्फ $12 में मिल रहा है, ठीक है। तो अभी आप जानते हो यार मार्केट डाउन है, तो 4.82% डाउन है अभी हमारा एक्सी इन्फिनिटी। ओके, देन यार इसका जो भी प्राइस चल रहा है $12.54 के करीब चल रहा है। देन यार अगर इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखें तो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली वर्क किस पे करता है, तो ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे वर्क करता है एक्सी इन्फिनिटी। ओके, NFT कॉइन है, देन मेटावर्स भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसके ऑडिट्स देख ले तो क्रिटिक है और वेरी चेंज है, ठीक है, बड़े जेन्युइन ये ऑडिट्स है इसके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यार आने वाले टाइम पे एक्सी इन्फिनिटी हमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकता है। ओके, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी $1 बिलियन का मार्केट कैप है। देन सर्कुलेटिंग सप्लाई देखे तो लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई है इसकी, अराउंड 83 बिलियंस के करीब सर्कुलेटिंग सप्लाई है एक्सी इन्फिनिटी की। देन यार इसकी वॉल्यूम देखे तो वॉल्यूम में भी थोड़ा डिक्रीजमेंट दिखा है, बिकॉज यार आप जानते हो पूरी मार्केट डाउन है, तो वॉल्यूम में तो हमें डिक्रीजमेंट ऑलरेडी देखने को मिलेगी। ओके, देन 59.68% डाउन है इसका ऑल ओवर हम देखे तो। देन इसकी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो अराउंड 3 बिलियंस के करीब है, $3.3 बिलियन के करीब है। देन पूरा ऑल ओवर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें जो अभी चल रहा है पूरा मार्केट प्लेस में, तो अराउंड $1 बिलियन के करीब है ये। ओके, CMC पे अगर हम इसका डेटा देखें तो। ओके, अकॉर्डिंग टू ये हमारा क्रिप्टो करेंसी जो भी हमारा कॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन ये डेटा है वेबसाइट का, उस पर बता रहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका $1 बिलियन के करीब का है। ओके, तो यार हम इसका ग्राफ देखेंगे नहीं इस पर, क्योंकि यार जो भी हमारा कॉइन मार्केट कैप का डेटा है ग्राफ है, ये कुछ ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको एग्जैक्ट ट्रेड सिग्नल नहीं बताता, यानी कि टेक्निकल सिग्नल्स नहीं बताता। तो इसके लिए बेसिकली हम इसके लिए टेक्निकल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसका ट्विटर हैंडल भी चेक कर लेते हैं, सेकंड कंफर्मेशन हमारा जो है वो हमारा ये कर देगा। ओके, तो एक्सी इन्फिनिटी वैसे यार एक बात बता देता हूँ, एक गेमिंग कॉइन भी है, मेटावर्स कॉइन भी, NFTs भी आता है ये कॉइन, ठीक है। 3 जगह के कैटेगरीज में वे डिवाइड हो रखा है, एक है हमारी NFTs, दूसरी है हमारी मेटावर्स एंड तीसरी है गेम्स प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका बेसिकली यार आप जानते हो इसका खुद का एक गेम है, जिसमें आप इसको गेम खेल के कुछ प्ले टू अर्न करके कुछ एक्सी इन्फिनिटीज खरीद सकते हो। ओके, तो बहुत सही है, आप प्ले भी कर सकते हो इससे, ठीक है। तो 927.90K की फॉलोअर्स है, यानी कि इसकी पूरी कम्युनिटी जो है बहुत अच्छी खासी है। ओके, तो रेगुलर अपडेट डालते हैं ये अपने इस पर ट्विटर पर, तो आप देख सकते हो जो लेटेस्ट इनका भी आया था ट्वीट, वो अराउंड
14 सितंबर को आया था, तो हम कह सकते हैं यार जो भी इसकी कम्युनिटी है वो ठीक है, एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे भी, तो आप इसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अभी करते हैं इसका टेक्निकल दिखाता हूँ मैं, एक्सी इन्फिनिटी का आप कहाँ पे इसको बाय कर सकते हो। सो गाइस हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पे आ गए हैं, देन एक्सी इन्फिनिटी को देखें तो यार एक्सी इन्फिनिटी तुम्हें बहुत ज़्यादा डाउन पे मिलेगा। इसने जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था अभी पिछले 2021 के बुल रन में अराउंड $160 के करीब इसने हाई बनाया था, देन यार अभी इसका प्राइस देखें ना तो सिर्फ $12 के करीब चल रहा है। और अगर हम इसका थोड़ा टेक्निकल करके देखें ना तो ये अपने डिमांड एरिया के अंदर है, यानी कि डिमांड जोन के अंदर है। इसका जो डिमांड जोन है वो 14 से समथिंग $10 तक का इसका डिमांड जोन एरिया है, तो आप इसमें एक अच्छी खासी भर के बाय कर सकते हो। ओके, भर के तो नहीं बोलूँगा लेकिन SIP कर सकते हो एक्सी इन्फिनिटी में, ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या फिर थोड़ा थोड़ा इसमें अमाउंट डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, एक साल तक तो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें एक्सी इन्फिनिटी देखने को मिल सकता है। और यार ये बिल्कुल डीप में आपको मिल रहा है, अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना तो बिल्कुल डीप में ही दिख रहा है ये, तो यहाँ से मे बी ट्रेंड रिवर्सल आ जाए ओके कंसोलिडेशन के बाद, तो फिर हमें एक अच्छा खासा इसमें ग्रोथनेस देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और ये 2 से 3 साल के अंदर आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट है ये अच्छी खासी आपको डबल से भी ज़्यादा करके दे सकता है। ओके, तो यार पहला जो हमारा कॉइन है AXS हो गया, एक्सी इन्फिनिटी। जो हमारा सेकंड कॉइन है उसका नाम है सैंडबॉक्स, तो यार सैंडबॉक्स इसी का ही वही है, ठीक है। इसके भी 3 कैटेगरीज है सैंडबॉक्स, पहले तो ये मेटावर्स में भी है, इसका गेम भी है, और ये क्या कहते हैं मीम्स प्रोजेक्ट में भी है। ओके, तो यार हम पहले इसको देख लेते हैं NFTs में जो हमारा सैंडबॉक्स है। तो सबसे पहले यार इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, तो 0.8696 के करीब इसका प्राइस चल रहा है, 5.33% डाउन है। ओके, देन सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो एक्सी इन्फिनिटी से कम है, 1.50 बिलियन सैंड्स ऑलरेडी सर्कुलेट हो रखे हैं मार्केट के अंदर। ओके, देन कॉन्ट्रैक्ट देखें तो यार इथेरियम ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, देन ऑडिट्स देखें तो क्रेडिट पे है। ओके, ऑफिशियल जेन्युइन है क्रेडिट, ठीक है, तो CMC पे ये लिस्टेड है, और जो इसकी रैंक चल रही है अभी मार्केट के अंदर ये ऑलरेडी 42 चल रही है, ठीक है। लेकिन यार जब मार्केट रिकवर करेगा ना तो बहुत अच्छा खासा ग्रोथनेस हमें दिखा सकता है सैंडबॉक्स, ठीक है। तो इसका हम पहले इसका ट्विटर हैंडल चेक कर लेते हैं कैसा है, ठीक है। तो इसको सैंडबॉक्स का ट्विटर हैंडल हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस ट्विटर हैंडल इसका जेन्युइन है, 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स है इसके गेन है, यानी कि कम्युनिटी भी बहुत अच्छी खासी है। देन मेटावर्स क्रिप्टो करेंसी है, और रेगुलर बेस पे इसकी जो भी मार्क मतलब वो है क्या कहते हैं कम्युनिटी है वो भी थोड़ा सा स्लो है बट एक्टिव है। ओके, तो कम्युनिटी भी अच्छी खासी इसकी ग्रोथ में है, तो हम कह सकते हैं यार आने वाले टाइम पे सैंडबॉक्स भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 1 मिलियन फॉलोवर्स ट्विटर पे है और वेरीफाइड है। ओके, तो हम कह सकते हैं यार जेन्युइन अकाउंट है। तो इसका टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप कहाँ इसको बाय कर सकते हो। सो गाइस सैंडबॉक्स का अगर हम देखें ना तो सैंडबॉक्स भी हमें एक बहुत ज़्यादा डीप के अंदर दिख रहा है। ओके, जो सैंडबॉक्स ने अपना हाई बनाया था अराउंड $8 के करीब, $8.5 के करीब इसने अपना हाई बनाया था। देन यार इसका अगर हम डिमांड एरिया देखें ना तो डिमांड एरिया हम अगर इसका नोटिस करेंगे तो 0.8 से 0.4 तक का इसका डिमांड एरिया है। आप यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग एरिया बना सकते हो इसमें। ओके, बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन सकती है सैंडबॉक्स बाय करने की, क्योंकि यहाँ से मे बी अगर ट्रेंड रिवर्सल आता है तो हमें आने वाले टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है 2 से 3 सालों के अंदर सैंडबॉक्स का, ठीक है। यहाँ से ये 50 से 100x भी हो सकता है अगर आप इसी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो SIP भी आप इसकी कर सकते हो, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कुछ छोटा छोटा अमाउंट डिप्लॉय करोगे इसमें तो आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है सैंडबॉक्स, ये भी एक डीप में है। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है उसका नाम है चिलीज़। ओके, तो चिलीज़ यार बहुत पुराना कॉइन है लेकिन बहुत अच्छा खासा फंडामेंटल है इस कॉइन का, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम इसका देखें तो बहुत पावरफुल है अगर कम्युनिटी से हम इसका वो करें तो। ओके, तो यार हम चिलीज़ ने भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, ट्रेडर और इन्वेस्टर बोथ को, दोनों को प्रॉफिट दिया है। देन इसका जो भी प्राइस चल रहा है वो 0.2672 के करीब चल रहा है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी रखता है $50 to $70 तक जाने की। ओके, तो हम कह सकते हैं और चिलीज़ में भी हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। ओके, देन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें तो 6 बिलियन के करीब है, यानी कि हम एज कंपेयर करें तो एक्सी इन्फिनिटी एंड सैंडबॉक्स तो ये थोड़ा ज़्यादा है इसमें। ओके, बट कोई नहीं यार, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी देखें तो 1.6 बिलियन के करीब है, तो हम कह सकते हैं यार मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इसका बहुत सही है। डिल्यूटेड मार्केट कैप देखें तो 2.3 बिलियन के करीब है, देन वॉल्यूम देखें तो $506 मिलियन के करीब है, तो हम कह सकते हैं यार वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, ट्रेड हो रहा है। ओके, सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा है ये,
तो आप इसको बाइंग वगैरह कर सकते हो इसकी अच्छी खासी। देन इसका अगर हम ये देखें कॉन्ट्रैक्ट देखें तो इथेरियम ब्लॉकचेन पे। ओके, तो यार इथेरियम के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना या फिर हो रखे हैं, मतलब पार्टनरशिप हो रखी है अदर क्रिप्टो करेंसीज के साथ, जैसे अभी मैंने आपको तीन कॉइन बताए थे, उन तीनों में भी, सॉरी दो कॉइन बताए थे, उनमें भी हमें इथेरियम ब्लॉकचेन में देखने को बेसिकली मिला है। तो यार आप जानते हो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में इथेरियम एंटर हुआ है, तो यार इथेरियम में अच्छी खासी हमें ग्रोथनेस देखने को मिल सकती है। तो यार ये तीन तीन कॉइन भी स्काई रॉकेट बन सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम पे। ओके, तो यार इसका हमने देख लिया है। देन इसका यार ट्विटर हैंडल हम चेक करें चिलीज़ का, तो चिलीज़ का अगर हम ट्विटर हैंडल चेक करेंगे तो हमें दिखेगा यार अकाउंट वेरीफाइड है और 452.4K लैक्स के करीब इसका कम्युनिटी है। ओके, तो हम कह सकते हैं यार कम्युनिटी स्ट्रांग है। ओके, देन यार ये बहुत अच्छा खासा कम्युनिटी में पोस्ट करते रहते हैं, बड़े बड़े एयर ड्रॉप्स आते हैं, लॉन्च पैड वगैरह, अपग्रेडेशन चिलीज़ में, ठीक है। तो मे बी यार एक अच्छी खासी चिलीज़ की जब हम फंडामेंटल देखें तो अच्छा खासा है, बस मार्केट में जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है ना वो थोड़ी ज़्यादा है। अगर इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई को थोड़ा बंद कर देंगे तो मे बी मार्केट में और चिलीज़ के प्राइस में एक अच्छा खासा हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, देन ट्रेडिंग व्यू पे इसका टेक्निकल एनालिसिस करें तो चिलीज़ का, अगर हम चिलीज़ सेक्शन को खोलें तो बेसिकली गाइस यार आप जानते हो इसने एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है आने वाले पिछले टाइम फ्रेम पे, अगर 2021 में देखें तो, जब सब क्रिप्टो करेंसीज ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो बेसिकली गाइस यार चिलीज में भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो और या फिर SIP भी कर सकते हो। ओके, तो यार इसका जो एरिया मैं बता रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई, सॉरी डिमांड एरिया, डिमांड जोन जो होगा इसका वो 0.19 से 0.16 तक के करीब को आप इसको बाइंग कर सकते हो और मे बी यार आप इस एरिया पे भी इसको बाय कर सकते हो। ओके, तो यार अगर ये इस एरिया को ब्रेक करता है ना अपने सप्लाई जोन को, यानी 0.27 से जो भी है 0.32 तक का जो भी है इसका सप्लाई जोन है, अगर ये इसको ब्रेक करता है ना तो आने वाले टाइम फ्रेम पे हमें एक अच्छी खासी ग्रोथनेस देखने को मिल सकती है चिलीज़ में भी। और चिलीज़ में भी अभी आप बाय कर सकते हो, डीप में अच्छा खासा आपको मिल रहा है ये। ओके, 50 to 100x तक की अपॉर्चुनिटी रखता है चिलीज़, ठीक है। अगर थोड़ा फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे लेवरेज लेके तो मे भी आने वाले टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी आपको ग्रोथनेस देखने को मिल सकती है चिलीज़ के अंदर। ओके, देन यार जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है वो है अपना टेजोस। सो गाइस टेजोस में भी एक अच्छी खासी आपको ग्रोथनेस देखने को मिल सकती है। ओके, तो यार इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं, मतलब इन तीन जो कॉइन्स मैंने आपको बताया उनसे कम है, 910 मिलियन डॉलर्स के करीब इसकी, मिलियंस के करीब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है टेजोस की। देन यार ये भी दो कैटेगरीज में है, मेटावर्स में और एक NFTs में है टेजोस, ठीक है। देन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो 3.84% डाउन है, डिल्यूटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन देखे तो 3.84% डाउन है, देन वॉल्यूम भी डाउन है यार पूरी ऑल ओवर, वैसे अभी मार्केट डाउन है तो हम कह सकते हैं कि यार हमें ये सब डाउन देखने को मिलेगा। देन यार ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है ये BNB स्मार्ट चेन पे बेस्ड है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट इसका BNB पे बेस्ड है। देन ऑडिट्स की बात करी जाए तो क्वेंट स्टैम्प पे बेस्ड है ये। ओके, तो यार हम कह सकते हैं टेजोस में भी एक अच्छी खासी पोटेंशियल है आने वाले टाइम फ्रेम के अंदर हम देखें तो। ओके, सो गाइज ये भी अभी एक अच्छी खासी आपको डीप में मिल जाएगा। ओके, टेजोस, तो आप इसको बाय कर सकते हो, एक अच्छा खासा NFT कॉइन है ये भी, ठीक है। तो इसका अगर हम टेलीग्राम ट्विटर चेक करें तो ट्विटर में अगर हम टेजोस सेक्शन खोलें इसके अंदर सर्च बार में, सो बेसिकली गाइज यार जेन्युइन अकाउंट है, वेरीफाइडेड है, कम्युनिटी इसकी स्ट्रांग है। आज ही के करीब, आज या कल में ही इसका एक ट्वीट आया था टेजोस का। ओके, तो इसके अंदर हम देखने को मिल सकता है यार आने वाले टाइम फ्रेम पे टेजोस भी एक अच्छी खासी ग्रोथनेस हमें दिखा सकते हैं एज अ ये BNB स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है, फॉलोअर्स भी अच्छे खासे इसके बेस्ड है, ठीक है, कम्युनिटी भी एक अच्छी खासी है इसकी। ओके, इसकी खुद की भी वेबसाइट है, वैसे तो तीनों कॉइन्स की जो मैंने आपको बताया उनकी भी वेबसाइट्स हैं। ओके, देन अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करें ट्रेडिंग व्यू पे तो सबसे पहले हम XTZ खोल लेते हैं, टेजोस खोल लेते हैं, इसका शॉर्ट नेम है XTZ। सो गाइज इसमें यार आप एक चीज़ बता देता हूँ मैं, अभी तो ये आपको एक अच्छी खासी डीप के अंदर मिल रहा है। ओके, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड हमें बेसिकली इसमें देखने को मिला था। देन इसका ऑल टाइम हाई जो गया है वो 9.175 डॉलर्स के करीब गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यार इसमें एक अच्छी खासी हमें ग्रोथनेस देखने को मिल सकती है और आने वाले टाइम फ्रेम पे ये हमें 50 to 100x तक की अपॉर्चुनिटी बना के दे सकता है टेजोस। तो यार बेसिकली अभी अपने डिमांड एरिया के अंदर ही है, तो डिमांड एरिया में है तो आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, एक अच्छी खासी ग्रोथनेस हमें आने वाले टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकती है। ओके, तो मे बी एक अच्छी खासी ग्रोथ बनेगी तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बनेगा इसमें। ओके, तो यार बाइंग वगैरह भी कर सकते हो इसमें, डीप में मिल रहा है आपको टेजोस अच्छी खासी। ओके, या फिर SIP कर सकते हो इसकी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एज अ छोटा छोटा अमाउंट इसके अंदर डिप्लॉय करो पर मंथ। ओके, सो गाइस जो हमारा लास्ट कॉइन है,
टेजोस का भी बता दिया, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी। जो दोस्तों हमारा लास्ट कॉइन है उसका नाम है फिल कॉइन। तो दोस्तों इसका भी जो प्राइस चल रहा है 5.56 के करीब चल रहा है, देन 2.59% डाउन है। देन यार सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें मार्केट में तो यार बहुत ज़्यादा कम है, और फिल कॉइन में तो यार हमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख सकता है आने वाले टाइम फ्रेम पे, यानी कि 100 से 50x तक का ये आपको ग्रोथ ईजिली दे देगा। ओके, 291 मिलियंस के करीब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है अभी मार्केट के अंदर। देन यार इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें जो अभी करंटली चल रहा है, एज अ कंपेयर करें तो हम कॉइन मार्केट कैप डेटा से तो 1.6 बिलियंस के करीब इसका मार्केट कैप है। देन वॉल्यूम में भी डिक्रीजमेंट दिखी है, डिल्यूटेड मार्केट कैप में भी इसकी डिक्रीजमेंट दिखी है। ठीक है, तो इसका यार अगर हम कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ये HECU से बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो है HECU भी, बट हम अगर कंपेयर करें टू एज अ क्या कहते हैं इथेरियम से तो थोड़ा लो पड़ता है। लेकिन आने वाले टाइम फ्रेम पे अगर HECU में भी हमें अच्छी खासी ग्रोथनेस देखने को मिली तो यार बेसिकली फिल कॉइन में भी एक अच्छी खासी हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। देन एज हम कंपेयर करें टू BNB भी स्मार्ट चेन पे भी ये बेस्ड है। ओके, तो BNB स्मार्ट चेन पे बेस्ड है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा फंडामेंटल है इसका। ओके, देन यार इसका ट्रेडिंग भी, इसका अपने CMC डेटा पे अगर हम इसका चार्ट देखें ना तो चार्ट तो इसका पूरा एग्जैक्ट बताता नहीं है कि कितना प्राइस में चल रहा है। देन यार इसमें भी हमें एक अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिली थी पिछले साल यानी कि 2021 में। ओके, तो सबसे पहले यार इसका ट्विटर हैंडल हम चेक कर लेते हैं कितना जेन्युइन अकाउंट है ये। ओके, तो फिल कॉइन में भी यार हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ओके, तो यार जो हमारा फिल कॉइन है ना ये Web3 क्रिप्टो करेंसी है, तो यार बहुत अच्छी खासी फ्यूचर प्रेडिक्शन हम देख सकते हैं इसके अंदर, प्राइस प्रेडिक्शन आने वाले टाइम फ्रेम पे। 192 लाख के करीब इसके फॉलोवर्स है अभी ट्विटर हैंडल पे, तो हम कह सकते हैं यार फिल कॉइन में भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, देन यार इसका ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस करें फिल कॉइन का, सो हम देख सकते हैं यार ये तो बहुत गंदी डीप में मिल रहा है ये। ओके, तो बेस्ट कॉइन है यार अभी तक का जितने भी मैंने आपको ये कॉइन्स बताए चार में से सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉइन अपना फिल कॉइन है। $5 जो एक कॉइन $240 का होता है वो $5.5 तक का मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं यार इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें कहीं नहीं मिल रही होगी। ओके, सो गाइज हम इसको बोनस कॉइन भी कह सकते हैं। ठीक है, $240 का कॉइन हमें अराउंड आज 5.575 का मिल रहा है। तो यार अगर आप इस वीडियो को अराउंड 1 से 2 साल बाद देखोगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करी। मैं पर्सनली इसमें खुद इन्वेस्टमेंट करूंगा आने वाले टाइम फ्रेम पे। देन 5.565 सेंट्स के करीब इसका $5 सेंट्स के करीब इसका प्राइस चल रहा है, 5.5 सेंट डॉलर्स के करीब। देन डिमांड एरिया पे ये अपने, तो यार यहाँ पे फिल कॉइन में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आप बना सकते हो, और एक Web3 क्रिप्टो करेंसी में आप इसको बाइंग कर सकते हो फिल कॉइन में। ओके, तो यार एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है फिल कॉइन में। 240 क्या यार, ये तो 50 से 100x आपको ईजिली बना के दे देगा, बहुत ज़्यादा ईजिली। ओके, कहते हैं ना जिसको आराम से कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें, तो वही बात हो गई है यार, आप इसको इजीली बाय कर सकते हो, अच्छी खासी डीप में मिल रहा है, बहुत डीप ही क्या बोलेंगे यार इसको, तो ये बोलेंगे कि कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं, तो आप इसको बाइंग कर सकते हो फिल कॉइन में भी। ओके, तो फिल कॉइन आने वाले टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, तो यार देखो फिल कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो। ओके, तो कम्युनिटी वगैरह भी मैंने दिखा दी है, जेन्युइन है। ओके, जहाँ 240 तक का ये कॉइन मिल रहा था, आज वो $5 तक का ये कॉइन मिल रहा है। ओके, तो यार सोच के देखो अगर आप इसमें कुछ लॉन्गर टाइम फ्रेम पे कुछ भी अमाउंट $1,000 के भी करीब आप इसमें डालोगे तो मे बी यार करोड़ की इन्वेस्टमेंट बन सकती है, करोड़पति बना सकता है आपको फिल कॉइन। अगर ये वापस भी $240 पे भी आ गया ना, बहुत अच्छी खासी ग्रोथ बना के आपको दे सकता है। ओके, तो फिल कॉइन को रखो यार, ट्रैक करो इसको फिल कॉइन को। ओके, एक अच्छी खासी आपको ग्रोथनेस दे सकता है आने वाले टाइम फ्रेम पे। सो गाइज यार वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बस वीडियो में इतना ही, और बस ओके, गुड बाय, टाटा।